the सेकेंड कंसेप्ट विच इज दी वर्किंग थ्रू दी एबीसीज। सो एबीसीज क्या है, मतलब कि कुछ भी कंसेप्ट हो पिग लेटिन के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें हो सकती है यहाँ पे रिपीट हो, तो हम एक तरीके से उसको रिकॉल ही कर रहे हैं। ये वही बात है कि भाई पिग लेटिन क्या है, पिग प्रोग्राम्स के लिए, पिग प्लेटफॉर्म के लिए एक स्क्रिप्ट यूज होती है, एक लैंग्वेज यूज होती है जिसका नाम है पिग लेटिन, और जो क्या करता है ट्रांसलेट करता है पिग लेटिन स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस जॉब में। तो हमने यही किया था कि हमारा पूरा कंपाइलर का काम यहाँ था, फाइनली आपका आ गया था मैप रिड्यूस, हियर यू आर हैविंग द मैप रिड्यूस एंड फाइनली यू आर हैविंग द एसडीएफएस। तो जैसे ही ये पिग का काम था, ये कंप्लीट होने के बाद में आपका काम है कि जो भी जॉब से उसको कन्वर्ट कर दे मैप रिड्यूस में। तो पिग क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है जो स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे आपको पता थी कि यहाँ पे क्या थी आपकी पिग स्क्रिप्ट थी, ये पिग स्क्रिप्ट थी। तो पिग ट्रांसलेट द पिग लेटिन स्क्रिप्ट इनटू द मैप रिड्यूस जॉब्स डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द हडूप क्लस्टर। तो यही हमारा काम है। पिग लेटिन डेवलपमेंट टीम फॉलोड थ्री, तो तीन जो की डिजाइन कंसेप्ट है जो कि डेवलपर यूज में लेते हैं। पहला कंसेप्ट है वो ये है कि भाई जितना हो सके उतना सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। पिग लेटिन इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर मैप रिड्यूस, ऑब्वियसली ये जितना हो सकता है, क्योंकि ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, और पिग लेटिन क्या करती है, जितना हो सकती है मैप रिड्यूस को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रखती है। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती कि हमें 200 लाइन्स ऑफ जावा कोड लिखना है, 10 लाइन ऑफ कोड में भी काम हो जा रहा है वही, तो वी डोंट गो इन टू डीपर, वी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ही हमारा काम हो जाना चाहिए। और इसका काम क्या आता है, सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ द पैरेलल प्रोग्राम्स राइट ऑन हडूप क्लस्टर फॉर डेटा फ्लोस। तो ये जो मेजर फीचर्स है आपकी पिग लैंग्वेज का, उसको इस एक लाइन में बता दिया इसने कि डेटा फ्लो भी करना है, एनालिसिस भी करना है, सिंप्लीफिकेशन भी करना है। सिंप्लीफिकेशन क्यों करना है, ताकि जो पैरेलल प्रोग्राम्स है हडूप क्लस्टर पे उसको चलाया जा सके। और एब्स्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि भाई मोटी मोटी बातों पे काम करता है, अगर कुछ एरर हैंडलिंग है ये है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा ये राइट। अगर उसके लिए इसको कोड लिखना है तो एक लाइन का ही कोड लिख देगा, रादर गोइंग टू दी बिग डिटेल कोड। कॉम्प्लेक्स टास्क में रिक्वायर ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स टास्क मिल गए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि सच ए सीरीज आर एनकोडेड एज डेटा फ्लो सिक्वेंसेस। सो मल्टीपल डेटा फ्लो सिक्वेंसेस में आपको इसको लिख सकते हैं। राइटिंग पिग लेटिन स्क्रिप्ट इंस्टीड ऑफ जावा मैप रिड्यूस प्रोग्राम मेक्स दीज प्रोग्राम्स इजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। क्यों, क्योंकि पहला कंसेप्ट है यू डोंट हैव टू राइट दी जॉब इन जावा। तो आप जावा में कोई प्रोग्राम लिख नहीं रहे हैं तो एक बेनिफिट ये है। दूसरा ये है यू डोंट हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मैप रिड्यूस, आप डायरेक्टली अभी काम कर रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, दैट्स ऑल। यू डोंट नीड टू कम अप विद द कस्टम कोड टू सपोर्ट रिच डेटा टाइप्स। तो कोई भी आपको जो है कोड्स को कस्टम नहीं करना है, यू डोंट हैव टू राइट द बिग पैकेजेस बाई योर ओन, ऑलरेडी बिल्ट इन स्क्रिप्ट हैं, डायरेक्टली यूज करो और उस डेटा को एनालाइज करो। द लास्ट पॉइंट इज पिग लेटिन प्रोवाइड्स ए सिंपलर लैंग्वेज टू एक्सप्लोइट योर। तो ये सेम चीज जो है वो रिपीट हो रहा है, सिंपलर लैंग्वेज है ताकि हम हडूप क्लस्टर को एक्सप्लोइट कर सकें, यूज कर सकें। तो ये पहला हो गया कीप इट सिंपल, जितना हो सके उसको सिंपल रखें, ये तो हो गया पिक का पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है आपका मेक इट स्मार्ट। मेक इट स्मार्ट का क्या मतलब है कि पिग लेटिन कंपाइलर ट्रांसफॉर्म करता है पिग लेटिन प्रोग्राम को जावा मैप रिड्यूस, ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये डायरेक्टली क्या करता है, जो भी आपका पिग लेटिन प्रोग्राम है उसको एक सीरीज ऑफ जावा मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट कर देता है। द कंपाइलर कैन ऑप्टिमाइज, तो कंपाइलर एक ऑप्टिमाइजर का भी काम करता है, हमने देखा एक फेज ऐसा भी होता है जो ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है। वो क्या करता है, जो भी जावा मैप रिड्यूस जॉब है उसको एग्जीक्यूट करता है, अलाउिंग तो और यूजर्स को अलाउ करता है कि भाई आप सिमेंटिक्स पे फोकस करो रादर फोकसिंग ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, कंपाइलर खुद कर रहा है। तो आप यूजर एज ए यूजर यू जस्ट फोकस ऑन दियर सिमेंटिक्स रादर देन हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड एक्सेस द डेटा। ये काम किसका हो गया, कंपाइलर का हो गया।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एसक्यूएल की बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, इसको ये सेटअप करता है एज ए डिक्लेरेटिव क्वेरी डेट यू यूज टू एक्सेस दिस स्ट्रक्चर। तो एसक्यूएल को आप यूज कर ही नहीं सकते अनस्ट्रक्चर्ड के लिए। तो अगर आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है जो कि स्ट्रक्चर्ड है, उसके अंदर ही आप एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। द आरडीबीएमएस इंजन फर्स्ट ट्रांसलेट द क्वेरी इन टू डेटा एक्सेस मेथड। तो पहले क्या करता है, जो भी आपका आरडीबीएमएस है वो ट्रांसलेट करता है जो भी आपने क्वेरी लिखी है, ठीक है, सेलेक्ट है ना, आपको सेलेक्ट करना है या एक्सेस करना है, तो जो भी क्वेरी लिखी है उसको ट्रांसलेट करता है डेटा एक्सेस मेथड में, देन लुक्स एज ए स्टेटिक्स एंड जनरेट्स ए सीरीज ऑफ डेटा अप्रोचेस। तो मल्टीपल डेटा एक्सेस अप्रोचेस को जनरेट करता है फिर ये, ठीक है, आरडीबीएमएस इंजन। अब इन सारी अप्रोचेस में से ये आपका जो कोड बेस्ड ऑप्टिमाइजर है वो चूज करता है द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये क्या कर रहा है कि स्मार्ट मेथड बना रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मेक इट स्मार्ट। कंपाइलर का ही काम है, अगर स्ट्रक्चर्ड है देन डायरेक्टली यूज योर एसक्यूएल ऑन दी आरडीबीएमएस, और आरडीबीएमएस इंजन में क्या कर रहा है, आपको जो भी क्वेरी लिख रहे हैं तो डेटा एक्सेस करना है, उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, तो ये एक स्टेटिक्स बनाता है और एक सीरीज ऑफ अप्रोचेस जनरेट कर लेता है, और उन अप्रोचेस में से जो भी बेस्ट अप्रोच होगी एग्जीक्यूशन के लिए उसको चूज कर लेगा। नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज डोंट लिमिट डेवलपमेंट। डोंट लिमिट डेवलपमेंट मतलब कि मेक पिग एक्सटेंसिबल, तो आपका जो पिग प्रोग्राम है वो एक्सटेंसिबल भी होना चाहिए, सो डेट द डेवलपर्स कैन एड फंक्शंस टू एड्रेस देयर पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम। तो अगर आपका पिग प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंसिबल नहीं है, और इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसे इश्यूज आ गए बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके जिनको एड्रेस करना है, तो अगर वो एक्सटेंसिबल नहीं है, स्टेटिक्स है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आरडीबीएमएस की अगर हम बात करें, तो आरडीबीएमएस जो आपका है ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस, वो डेटा वेयरहाउस में यूज करता है एटीएल का। व्हाट इज एटीएल? एटीएल पढ़ा है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है, एटीएल होता है आपके जो डीबीएमएस में। तो ये क्या करता है, यूज करता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा प्रोसेसिंग पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न यूज करता है जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम डेटा को जो भी बाहर के सोर्सेस से उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला काम हो गया, हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस एक्सट्रैक्टेड डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फिट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सच डेट इट कैन फिट टू योर ऑपरेशनल नीड्स। तो अगर मुझे अपना डेटा है वो 1 to 10 की रेंज में चाहिए तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। अगर 1 से 5 की रेंज में चाहिए तो मैं 1 से 5 की रेंज में उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ द डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। द लास्ट फॉर्म इज द लोड। लोड का मतलब है अब आपका सारा काम हो गया, नाउ द लोड इट इन टू द एंड टारगेट, राइट, वेदर इट इज इन द ऑपरेशनल डेटा स्टोर ए डेटा वेयर हाउस और दी अनदर। तो कहीं भी आपको स्टोर करना हो उसको यू कैन स्टोर इट। तो ये जो कंसेप्ट है आपका आरडीबीएमएस का, ये है ईटीएल का। नाउ कमिंग टू आवर आवर कंसेप्ट द बिग डेटा, व्हाट यू कॉल इट इज द पिग पिग कंसेप्ट, ये ईटीएल की जगह यूज करता है ईएलटी, ठीक है। वो क्या यूज कर रहा था आपका आरडीबीएमएस, वो ईटीएल यूज कर रहा था कि एक्सट्रैक्ट करो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो और लोड करो। हालांकि पिग क्या यूज कर रहा है, ईएलटी। तो ये क्या करता है, पहले एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम योर वेरियस सोर्सेस, तो डिफरेंट सोर्सेस से यू कलेक्टेड द डेटा बिकॉज योर डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज यू आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। नाउ सेकेंड इज लोड द डेटा, कहाँ लोड करना है, एसडीएफएस में लोड करना है, और फिर लास्ट में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म इट इज ए नेसेसरी टू प्रिपेयर द डेटा फॉर